मौलाना अरशद मदनी के बयान से भड़के धर्मगुरु, जमीयत के मंच से कहा ओ मार अल्लाह एक, विरोध में संतों ने मंच छोड़ा। दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर मोदी ने यज्ञ किया। पीएम बोले महिला सशक्तिकरण के लिए स्वामी जी ने आवाज उठाई, छुआछूत के खिलाफ लड़े। 13 राज्यों में गवर्नर बदले, 9 में इसी साल चुनाव। राम मंदिर फैसले में शामिल जस्टिस नजीर आंध्र के गवर्नर, महाराष्ट्र में कोश्यारी की जगह बैस। नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। घर से बीती रात्रि से गायब युवती का जंगल में संदिग्ध परिस्थितियों में पुलिस द्वारा शव बरामद किया गया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस द्वारा गहनता से जांच शुरू कर दी गई है। मामला चित्रकूट थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले आदिवासी ग्राम महकमगढ़ का है। महकमगढ़ निवासी 22 वर्षीय आदिवासी युवती निर्मला मवासी पिता रामफल मवासी बीते रविवार की शाम से घर से गायब थी, जिसकी परिजनों द्वारा रात भर तलाश की गई। सोमवार सुबह परिजनों द्वारा थाना चित्रकूट जाकर पुलिस को जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस द्वारा जंगलों में तलाश शुरू की गई और युवती के शव को बरामद करते हुए पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय सतना भेज दिया गया। एसडीओपी चित्रकूट आशीष जैन द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि घटना की संदिग्ध परिस्थितियों को देखते हुए गहनता से जांच की जा रही है। जानकारी प्राप्त हुई कि मोहम्मदगढ़ के पहाड़ पे एक जो है 22 वर्षीय युवती, जिसका नाम निर्मला मवासी पिता रामपुर मवासी, उम्र करीब 22 वर्ष है, की लाश पड़ी हुई थी। घटनास्थल पर जाकर शनाख्त करने पर यह हमें ज्ञात हुआ कि उक्त लड़की जो है कल रात से ही जो है गायब थी और परिजनों ने भी रुककर ढूंढने का प्रयास किया था। पुलिस को इसकी जांच सूचना सुबह ही दी गई थी, तो पुलिस ने जाकर मामले की तस्दीक की। मामले में मर्ग कायम करके हमने मामला संदिग्ध प्रतीत होने पर बाकायदा जाँच में लिया। मामले में अग्रिम विवेचना जारी। पीएम हो गया सौंपा। पीएम के लिए चूंकि मजमा में महिला डॉक्टर उपलब्ध न होने से सपना भेजा गया है, पीएम पोस्टमार्टम जारी है जी। अभी और कोई साक्ष्य कोई जानकारी? प्रथम दृष्टि मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है जी। तो इसलिए हमने उसमें अभी अग्रिम विवेचना जारी है, जैसे ही कुछ अन्य तथ्य सामने आएंगे हम आपको अवगत कराएंगे।